में कोरोना महामारी का कहर जारी है और अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। अतः न्यूज टाइम्स की ओर से आप सभी दर्शकों और शहरवासियों से यह अपील है कि सावधानी बरतें, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना न भूलें। नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आजिम गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शांति और सौहार्द के साथ बकरीद पर्व संपन्न, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों से की नमाज अदा। कदमा स्थित बजरंग बली मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से 4,000 रुपए चोरी। मानगो सहारा सिटी में विशालकाय अजगर निकलने से मची सनसनी, जौस के सदस्यों ने पकड़कर दलमा के जंगलों में छोड़ा। और शहद की बहनों ने देसी राखी बनाने का बीड़ा उठाया, कोरोना योद्धाओं की कलाइयों में सजेगी। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद के मौके पर घरों से नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना महामारी के मद्देनजर अपने घरों से ही नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दिया और रस्मों की अदायगी की। चांडिल स्थित जामा मस्जिद में केवल 5 मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज पढ़ी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। नमाज के दौरान उन्होंने शांति, भाईचारा और कोरोना वायरस से छुटकारे की दुआ मांगी। को मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग है और धार्मिक स्थान भी आज बंद का आदेश है, इसलिए हम लोगों ने चांडिल में बहुत ही सादगी के साथ 2-4 लोगों ने मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा किया और बाकी सब लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा किए। और कुर्बानी का जो दस्तूर है हम लोगों का, वो कुर्बानी भी लोगों ने अपने अपने घरों में किया। कदमा स्थित बजरंग बली के मंदिर का ताला तोड़कर चोरों ने बीती रात दान पेटी से लगभग 4,000 रुपए चुरा लिए। कदमा DBMS स्कूल के पास अवस्थित बजरंग बली मंदिर बरसों पुरानी है और यहाँ पूजा पाठ करने स्थानीय लोग आते हैं। बीती रात चोरों ने मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर प्रवेश किया और दान पेटी में रखे लगभग 4,000 रुपये चुरा लिए। इस घटना से श्रद्धालुओं में काफ़ी रोष व्याप्त है। मंदिर संचालन कमेटी ने कहा है कि एक वर्ष पूर्व भी इस मंदिर में चोरी की घटना हुई थी और पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। आज यह घटना रात के करीब 12 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर और अंदर घुसकर मंदिर के दान पेटी का ताला तोड़कर मंदिर के दान पेटी में रखे पूरे पैसे को चोरों ने चोरी करके ले गया। यह घटना एक साल पूर्व यह घटना हुई थी, जिसकी सूचना हमने थाना प्रभारी को लिखित रूप में दिया गया था। उसको देखते हुए थाना प्रभारी किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं करते हुए फिर घटना को दोबारा चोरों ने अंजाम दी। मानगो सहारा सिटी में एक विशालकाय अजगर के मिलने के बाद वहां सनसनी फैल गई है। लोगों ने तत्काल ही स्नेक कैचर दल को सूचित किया। मानगो सहारा सिटी के पास एक विशालकाय अजगर को स्थानीय लोगों ने देखा और इसकी सूचना वन विभाग और स्नेक कैचर दल को दी। जॉज यानी झारखंड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य आकाश डे और उत्कर्ष कश्यप तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षित तौर पर अजगर को पकड़कर पहले इसे टाटा जूलॉजिकल पार्क ले गए, जहां उसकी प्राथमिक उपचार की गई। बाद में जॉस के सदस्यों ने ही वन विभाग की मौजूदगी में अजगर को दलमा के जंगलों में छोड़ दिया। सहारा सिटी के लोगों ने अजगर के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली है। हाँ पूरे जंग ये रास्ता है तो ये आप मुंडे उधर घुमा देगा चीनी राखियों को दरकिनार करते हुए जमशेदपुर शहर में अब बहनों ने अपने हाथों से देसी राखियों का निर्माण किया है। इन राखियों को गोबर और मिट्टी से बनाया जा रहा है। चीनी सामग्रियों के बहिष्कार के बीच अब शहर की बहनों ने अपने हाथों से देसी राखी बनाने का बीड़ा उठाया है, जो पूरी तरह हर्बल युक्त है। इन राखियों के निर्माण में गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इन बहनों ने सैकड़ों की संख्या में राखी बनाने का संकल्प लिया है, जिन्हें रक्षाबंधन के दिन कोरोना योद्धाओं मसलन डॉक्टर, सफाईकर्मी, मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मियों आदि की कलाई में बांधे जाएंगे। पूजा पाठ में
क्या रहा है कोविड-19 के समय और इसमें आप क्या क्या उपयोग कर रहे हैं? कोविड-19 के समय जैसे मैं गौ माता के ऊपर कार्य कर रही हूँ गोबर और गौमूत्र से, क्योंकि गौ माता को बचाने के लिए हमें कुछ करना था तो दूध से लोग नहीं सर्टिफाइड थे कि दूध यूज करने के बाद जब गौ माता दूध देना बंद कर देती थी तो लोग उनको बेच देते थे, तो मुझे उस पर कार्य करना था तो मैं गोबर गौमूत्र से कार्य चालू की, तो बहुत सारा प्रोडक्ट बनाती थी। तो कोविड-19 बैठे बैठे अभी देखते थे कि बच्चों के हाथ में मोबाइल हमेशा है, पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चे सब लिए हर किसी के हाथ में मोबाइल है, तो रेडिएशन को रोकने के लिए गौ माता के गोबर में बहुत ज्यादा शक्ति है। तो पहले मैं मोबाइल रेडिएशन चिप बनाई, तो उससे फिर अब मुझे लगा कि अगर मैं इसको राखी का रूप दे दूंगी तो और ज्यादा अच्छा रहे। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, साथ ही मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को टाटा मुख्य अस्पताल में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों मृतक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनका इलाज टाटा मुख्य अस्पताल कोविड सेंटर में चल रहा था। इनमें से बागुन हाथू के रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति हैं जो किडनी रोग से ग्रस्त थे। उन्हें 29 जुलाई को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां टेस्ट में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दूसरी मौत सरायकेला खरसवा के कपाली के रहने वाले 55 वर्षीय व्यक्ति हैं। उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद 31 जुलाई को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया। इस प्रकार शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। वहीं शुक्रवार को कुल 105 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई, इनमें जमशेदपुर कोर्ट के 11 कर्मचारी भी शामिल हैं। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था जीवन विजय ट्रस्ट द्वारा शनिवार को मांगो क्षेत्र के सभी मंदिरों को सैनिटाइज किया गया। जमशेदपुर में सक्रिय सामाजिक संस्था जीवन विद्या ट्रस्ट द्वारा शनिवार को अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए मांगो संकोशाई इलाके के सभी मंदिरों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे शारीरिक दूरी का पालन करें और सैनिटाइजर और फेस मास्क का उपयोग अवश्य करें। सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने का आखिरी सोमवार का एक दिन पहले हम ये सोचे कि यहाँ पर ही आस्था से भरे पुजारी लोग जो हैं आते हैं और विशेष सावन को स्थिति को पूर्णिमा के अवसर पर विशेष ज़्यादा संख्या में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आने की संभावना, और उसके लिए हम लोग व्यवस्था भी वैसे करेंगे ताकि कोई भीड़ भाड़ नहीं करे, एक एक करके आएंगे, एक एक करके चले जाएंगे। तो इसकी आस्था को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय लिया जीवन विद्या ट्रस्ट के द्वारा कि मंदिर को सैनिटाइज करना जरूरी है। कौन व्यक्ति कहां से किस तरह संक्रमित हो सकता है या होगा उसके लिए पहले सैनिटाइज करके रखेंगे ताकि उससे संक्रामक बीमारी से बचा जा सके। एसीसीएन न्यूज के संस्थापक स्वर्गीय मोहन सिंह की स्मृति में बिष्टुपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए जमशेदपुर ब्लड बैंक और एसीसीएन के संयुक्त प्रयास से शनिवार को स्वर्गीय मोहन सिंह की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने महादान में भाग लिया। शिविर में 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। कठिन समय में जमशेदपुर ब्लड बैंक के द्वारा रिक्वेस्ट आया था कि एक और एक ब्लड बैंक की तरफ से रिक्वेस्ट आया कि एक और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। तो हमारा रक्तदान शिविर हर बार मार्च में होता है, लेकिन दोबारा हम लोग को रक्तदान शिविर आयोजित करना पड़ा क्योंकि अभी रक्त की बहुत कमी है ब्लड बैंक में और जमशेदपुर के वासी रक्तदान के लिए बहुत आगे बढ़ चल के हिस्सा लेते हैं। इसलिए कोरोना काल का विकट स्थिति को देखते हुए हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं और करीब करीब 100 यूनिट इकट्ठा करने की हमारा लक्ष्य है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल फेज में सिंहभूम टेक्नोकास्ट प्राइवेट लिमिटेड में मजदूर यूनियन का गठन किया गया जिसमें राकेश्वर पांडे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश्वर पांडे ने कहा कि उद्योगों को फिर से खड़ा करने के लिए अब सरकार को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट में उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और मजदूरों और कर्मचारियों के पास रोजगार नहीं है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती तो पूरे देश के लिए है और बड़े उद्योग छोटे और मझोले जितने भी उद्योग हैं सबके लिए चुनौती है। लेकिन सही बात बोले कि सबसे बड़ी चुनौती उसी के सामने होती है, इस तरह की महामारी में जो सबसे नीचे तबके का होता है, जो सबसे कमजोर होता है। तो आदित्यपुर में जो कल कारखाने हैं वो ज्यादातर कारखाने तो छोटे हैं, मझोले कद के हैं और बड़े कारखाने थोड़े कम हैं। लेकिन चुनौती तो है, सबके लिए चुनौती है। चुनौती सबसे बड़ी ये है उन कारखानों के पास कि एक तो ये कोरोना का इशू है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट काम है ऐसे उद्योगों को जो छोटे मोटे उद्योग हैं, किसी तरह से थोड़े कुछ पैसे कमा कर चलाते हैं।
5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना है। इसके लिए देश भर से पवित्र स्थानों की मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए देश भर के पवित्र स्थलों से पवित्र मिट्टी को संग्रह कर अयोध्या भेजी जा रही है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला से एकत्र की गई मिट्टी को लेकर विश्व हिंदू परिषद की विशेष टीम रांची रवाना हुए, जहां से वे वायु मार्ग से अयोध्या जाएंगे। आज बहुत ही हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि ये दूसरी खेप में जमशेदपुर महानगर से पूरे पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम जिले से पवित्र जल और माटी सभी धार्मिक स्थलों का, जिसमें गुरुद्वारा, मंदिर, सरना स्थल सभी की मिट्टी एकत्र करके आज अयोध्या भेजने के कार्यक्रम के तहत हम लोग जमशेदपुर विष्णुपुर राम मंदिर से मिट्टी और जल लेके रांची के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900, 9162974530। डॉगी जंक्शन, वी नो द नीड ऑफ योर रॉयल मेट, नॉट ओनली डॉग्स बट कैट, रैबिट्स, ऑल पेट्स एंड बर्ड्स, फूड्स एंड मेडिसिंस। वेटरनरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्सपीरियंस डॉक्टर। All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है और मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पता करें।